أعوذ بالله سمين من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري wa wa to all the participants of quran time it is sunday and we are back on our quran time what we are doing is we are doing the secrets of uh, surah yasin and Today, we are on the 10th secret. It is our 10th talk. And what I have chosen to speak to you all today is about the kun. Kaf, known, kun. As the verse goes in Surah Yaseen, Innama Amrahu.

Like since I, uh, started सिंस uh, learning the Quran and learning the deep meanings of the Quran, it always attracted me. और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये kun ये क्या है kun ये कैसे हुआ kun और ये किस तरह हुआ कौन? लेकिन क़ुरान uh, अल्लाह की जो किताब है जितने सवाल आप रखते हैं अपने दिल में जैसे आप उसको रेफर करते हैं वो सारे जवाब आपको देती जाती है और I, I studied and I moved ahead. मुझे ये जवाब मिलते गए और कि ये कौन क्या है और मुझे ये जवाब मिले कभी खैबर की हिस्ट्री में कि जब पैगंबर इस्लाम ने नादी अली पढ़ा और मदद के लिए अली को पुकारा तो चश्मे जदन में अली उनके सामने खड़े हुए थे विदाउट एनी टाइम लॉस्ट जब मैंने पढ़ा कि जनाब सैदा से बच्चों ने सवाल किया कि सारे बच्चे आज ईद का दिन है और सारे बच्चे जो है नए लिबास पहने पहने हुए हैं और हमारे पास आज नए लिबास नहीं है तो एक मरतबा जनाब सैदा कहती हैं कि अभी दर्जी तुम्हारे कपड़े लाएगा उनका कहना था एक मरतबा दुल हुआ और किसी ने कहा कि हसनैन का दर्जी आया है और उनके कपड़े जो है वो जन्नत से आ गए so, as, ऐसी बहुत सारी चीजें जब मैंने पढ़ी तो मैंने इस बात को रियलाइज किया कि इसी इसी को कौन कहते हैं कि वे देर इज नो टाइम लॉस्ट और वो फॉरन हो जाता है और इस तरह की यू नो देर आर टू दो जमाने हैं दो कस्म के जमाने टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड एक जो है वो टाइम बाउंड है जिसमें हम रहते हैं तो जिसमें हम रहते हैं हमें हर चीज का इंतजार करना पड़ता है और हर चीज का इंतजार मतलब कि कल सवेरा होगा तो कल हम ये काम करेंगे और फिर ये काम होगा तो उसके बाद ये होगा मीन्स इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसीजर हर चीज होने का एक प्रोसीजर होता है जैसे कि हमने बीज बोया अगर हमने जमीन में आम का बीज बोया है तो अब हमें इंतजार करना पड़ेगा यू you नो know, आम की अगर गुटली हमने बोई है या कोई भी किस्म का हमने बीज बोया है सो वी हैव टू वेट कि वो जर्मिनेट होगा फिर वो कोपल निकलेगी उसके बाद में वो पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा फिर मजबूत होगा फिर उसमें पत्ते आएंगे फिर उसमें फूल आएंगे फिर उसे कई सीजन इट फाइनली वो हमें फल देगा depending upon what. कि अगर you know, नारियल है या खजूर है तो आपको कई साल इंतजार करना पड़ेगा अगर आम है तो कई साल इंतजार करना पड़ेगा अगर कोई और फल है तो भी कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रूट तो नेचुरली ये एक टाइम बाउंड वर्ल्ड है कि इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है कि आज हम जो काम करेंगे तो कल उसका रिजल्ट आएगा लेकिन जो जो वर्ल्ड है कि जिसमें नहीं है जैसे हम इसका एग्जांपल एक मेराज में भी पाते हैं कि जिसमें टाइम नहीं गुजरता और बात मुकम्मल हो जाती है प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है पैगंबर इस्लाम सातों आसमान के ऊपर अर्श पर गए कुर्सी पे गए लौह तक पहुंचे कलम तक पहुंचे पे गए और फिर नूर के दरियाओं में होते होते परवरदिगार से खा पर मिले और देखिए मुझे कहने के लिए इतना वक्त लगा तो इतना डिस्टेंसेज इतने डिस्टेंसेस तय करने के लिए वॉट इज द टाइम देर इज नोट वहां पे वक्त नहीं, इट इज आउट ऑफ टाइम बाउंड इसलिए वो अभी गए और अभी लौट आए तो इसे हम कहते हैं एक वो दुनिया होती है जो जिस जहाँ पे प्रोसीजर होता है और प्रोसेस होता है हर चीज प्रोसीड होती है आगे लेकिन एक दुनिया वो होती है जहां कहते हैं और बस हो जाता है उधर टाइम बाउंड नहीं है तो टाइम बाउंड कहां नहीं है जहां इंसान तकलीफ में गिरफ्तार नहीं होता बस अगर खुशियों का हाल है तो खुशियां ही मनाता रहता है जहां पे इंसान को बुढ़ापा नहीं होता जहां पे इंसान को कमजोरी नहीं होती He doesn't lose any strength or youth, क्योंकि टाइम उस पर असर अंदाज नहीं होता बल्कि देर डज एग्जिस्ट टाइम वहां पर टाइम एग्जिस्ट होता ही नहीं है इसके एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक मरतबा एक किताब में एक जिक्र पढ़ा था कि जन्नत में जब एक किसान गया तो उसने कहा कि जन्नत में मैं कितने फल खाऊं मैं जन्नत में कहा की सैर करूं क्योंकि उसे तो आदत थी काम करने की तो वो हमेशा फल और फूल उगाते रहता था खेती बाड़ी करता रहता था तो उसने परवर दिगार से कहा कि परवर दिगार तू बता कि मुझे क्या करना है मुझे खेती करना है इस यहां पर जन्नत में तो अल्लाह वहां पर कुन की दुनिया है किसी के लिए कोई चीज की मनादी नहीं है जो जो चाहेगा उसे वो मिलेगा तो अल्लाह ने उसे कुछ बीज अता किए उसने यहाँ बीज बोए खेत में और पल में वो तैयार हो गए सो देर इज नो प्रोसेस ओवर देर यू नो हम कहते हैं बेहतरीन हमें वहां पर बेहतरीन गजा मिलेगी खाने के लिए लेकिन कोई वहां पर फलों को उगाएगा नहीं वहां पर हमें जो परिंद का गोश्त हम पसंद करते हैं खाने के लिए हमें वो गोश्त मिलेगा खाने के लिए भुना हुआ पका हुआ लेकिन वहां पे कोई उन्हें हलाल नहीं करेगा इट इज जस्ट अ वर्ल्ड ऑफ कौन अगर आप चाहेंगे आप कहेंगे हो जाएगा वो प्रोसेस में चीज नहीं जाने वाली तो दैट इज एन एटर्नल वर्ल्ड जहां पे टाइम नहीं गुजरता जहां पे टाइम होता ही नहीं जिसे हम कहते हैं एटर्नल तो ये दो कसम के की दुनिया है तो अब देखिए बहुत सारी चीजें हमें जन्नत से मिली हैं और उस दुनिया से मिली हैं और वो इसलिए मिली हैं कि कुछ जन्नत के लोग इस दुनिया में उतर के आए तो जब वो इस दुनिया में उतर के आए तो उनके साथ वो चीजें भी आ गई उनके साथ वो चीजें भी आ गई जैसे कि जब जनाबे जनाब आदम आए थे तो क्या हो गया था जो उनके लिबास थे वो जन्नत के लिबास वहीं रह गए थे क्योंकि वो जन्नत के लिए नहीं अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हें जमीन के लिए खलीफा बना रहा हूं तो वो जब जमीन पे आए तो जन्नत की कुछ चीजें जो जन्नत की चीजें थी लिबास थी वो छोड़ के आए लेकिन जब जन्नत वाले यहां आते हैं जब जन्नत वाले यहाँ आते हैं, तो उनके साथ उनकी चीजें आती हैं किस तरह जैसे कि सलाम कलाम है अल्लाह का जब अल्लाह का कलाम है तो मतलब इट इज एन एटर्नल कलाम ये इस दुनिया से नहीं है और आया किस पे सलाम सबसे पहले सबसे पहले आया कहाँ पे कलम ने सलाम किया था रसूल को सलाम किया था नाम खुदा का है तो नेचुरली जो पैगंबर इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया वो जन्नत का बिकॉज ही बिलोंग्स टू डेट रियाम तो इसलिए जब वो यहां पर आए तो उनके साथ सलाम भी यहाँ पर आया जब वो यहां पर आई इस दुनिया का नहीं है आई यू आर वेरी लकी वेरी फॉर्चुनेट कैन यूज इट बिकॉज यू आर द बिलीवर इन द होली प्रॉफिट आप उन्हें मानते हैं इसीलिए जो उन्हें मानते हैं जो अल्लाह को मानते हैं वो सलाम इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें इट इज हाउ यू बाटर जिस तरह आप ट्रेड करते हैं इसी तरह आप ये आपस में बांटते हैं सलाम जो है आपस में बांटा जाता है और इससे बरकतें बढ़ती हैं तो ये की दुनिया से आया है एक बार आपको किसी ने सलाम कह दिया वो कहा वहां से शुरू हुआ और वो कब तक खत्म होगा हमें पता ही नहीं है जब आप कब्रिस्तान भी जाते हैं तो आप देखते हैं उधर लिखा रहता है सलाम अलल एहल कबूर के सलाम हो अहले कबूर पे जो यहाँ पे कब्रों में सो रहे हैं उन पर सलाम हो तो देखिए उसका द, द, सलाम का कमाल यही है क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है इसलिए वो वहां तक जा सकता है जो यहाँ की मटीरियल दुनिया नहीं है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो रूहानी अरवाहों की दुनिया है वहां तक भी उसकी हर जगह पहुंच हो सकती है हम हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम भेजते हैं अब अब्दुल्ला फौरन पहुंच जाता है बिकॉज वो टाइम बाउंड नहीं है वो किसी और जहान से आया है सल, सलाम और इसी तरह सलावत भी है इसी तरह कुरान भी है क्योंकि सलावत भी किसने पढ़ा इन बेशक अल्लाह व मलाइकतुहु तो और उसके फरिश्ते यसल्लूना अलन वो दुरूद पढ़ते हैं नबी पर तो ना नेचुरली अल्लाह और मलाइका जब दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ने दुनिया में ये मटीरियल वर्ल्ड में क्यों के रसूल आए उस इसलिए उनके साथ ये दुरूद भी आया तो वी आर ब्लेस्ड कि हमें ये चीजें मिली और सिर्फ उनकी बदौलत हमें ये चीजें मिली तो दिस इज व्हाट ये कहते हैं ये दो ये दो तरह की दुनिया है एक जो प्रोसीजर वाली है और एक जो है वो एटर्नल है उधर कोई चीज यू नो देर इज नो प्रोसेस फॉर एनीथिंग आप कहते हैं और बस वो हो जाता है न इसी तरह कुरान में जब ये इस्तेमाल किया गया इफ यूरस्टैंड कुरआन अफकोर्स इट इज अरानिक वर्ड एंडरस्टैंड इट विद द कुरान तो कहते कुरान में आठ मरतबा इसका जिक्र है एट टाइम्स कन बीन रिपीटेड इन द इन द कुरान अब ये किस लिए इस्तेमाल किया गया है बॉट ये किस लिए ये ये वर्ड का, का एक एक कहा और वहां हो गया ओके तो अब जब ये इस्तेमाल ये नो, में आठ जगह हुआ है और आठ जगह किन चीजों के लिए हुआ है इस चीजों के लिए हुआ है कि ये हुआ है इस्तेमाल जमीन और आसमानों और जमीन की खिलकत के लिए जो कुन से बनी है आसमानों और जमीनों की खिलकत के लिए जो कौन से बनी है एक मरतबा एक या दो मरतबा इसका जिक्र हुआ है ऑल टूगेदर एट टाइम जो जिक्र, जिक्र हुआ है वो तीन सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है एक जमीन और आसमान की खिलकत कौन से दूसरी जनाब ईसा की विलादत दूसरे जनाब ईसा की विलादत कौन से और तीसरे जिंदगी और मौत जिसका मालिक परवरदिगार है वो भी कुन से वो चाहेगा तो फौरन जी उठेगा और वो चाहेगा तो फौरन मर जाएगा सो ये तीन चीजों का डिस्क्रिप्शन है में, जीद में कुन के वर्ड को इस्तेमाल करते हुए तो अब यू you नो know, ये अगर आप ये तीनों चीज का कनेक्शन देखें अगर आप ये तीनों चीज का कनेक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कुन जो होता है यू you नो know, जैसे इंसान कहता है सॉरी जैसे अल्लाह कहता है वो हो जाता है तो कहते हैं कि जब हम जन्नत में जाएंगे जब हम जन्नत में हमारा दाखिला होगा और हम वहां मकीन होंगे जहां भी अल्लाह में वहां रखे उसकी उसत तो बहुत ज्यादा है जन्नत की you cannot even, you know, imagine or measure it. तो कहते हैं जब हम वहां पर जाएंगे और वहां पर कहते हैं कि एक मरतबा हमारे पास अल्लाह पैगाम भेजेगा एक खत आएगा हमारे पास दिस द बुक ऑफ खुमैनी विच इज कॉल्ड आदाब दैट दिस लेटर इज क्वोटेड फ्रॉम वन ऑफ द इमाम की जब ये लेटर आएगा हमारे पास तो वो जब लेटर हम खोलेंगे तो उस लेटर में लिखा होगा आपका नाम और आपके नाम यू नो लेटर ये आया है तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास और जो रब है कुन का यू ऑल्सो गेट देट ओवर देयर हम जो चीज की ख्वाहिश करेंगे हमें मिल जाएगी वहां पर अगर कोई चीज चाहे और न मिले तो वो दुनिया होती है और कुछ कोई चीज जो सोचे वो हो जाए जो चीज सोचे वो हो जाए उसे जन्नत कहते हैं तो कहते हैं ये खत में लिखा होगा कि ये ये रब के तरफ से तुम्हारी पास है जो रब्बे कुन है और ये कुन का कमाल आज तुम तुम्हें भी उसने अता किया जो तुम चाहोगे वहां तुम्हें so you know, तुम 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 और जो जन्नत वाले हैं देख टू लिव विद वो उसी के साथ जीते हैं वो अगर जो भी चाहते हैं वो फॉरन हो जाती है बात उसके लिए वक्त नहीं लगता बिकॉज वो रह रहे हैं भले यहाँ लेकिन है वो उनकी मंजिल वही की मंजिल इसीलिए मौला अली जब अपने बारे में जिक्र करते हैं खुदबतुल बयान में तो वो कहते हैं मैं कुन कुन के दो वर्ड है एक काफ और एक नून और वो कहते हैं मैं काफ कुन के काफ और नून के दरमियान का राज हूं आई एम द सीक्रेट बिट्वीन द काफ एंड द नून तो ये देखिए ये काफ और नून अगर आप देखेंगे दोनों मुकत्ता आत हैं। मुकत्ता आत मीन्स ये अब्रीविएटेड लेटर्स द अब्रीविएटेड लेटर्स विच आर यूज्ड इन द कुरान जिसे हम कहते हैं अलीफ लामीम वो है या सीन ताहा ये मुकत्ता कहलाते हैं तो दोनों पाए जाते हैं मुकत्ता में ये दोनों लेटर्स का यूज यूज मुकत्ता में हुआ है काफ का यूज सूर्य मरियम में हुआ है फर्स्ट लेटर ऑफ सूर्य मरियम इज काफ फिर उसके बाद में हा ओके okay? तो फर्स्ट वर्ड जो सूर मरियम का मुखा वाला है वो काफ है और सूर कलम सूर्य कलम में यूज हुआ है वो है नून ओके इफ़ यू टेक अ जनरल अंडरस्टैंडिंग एक आप जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो हर वर्ड जो है वो आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है एवरी वर्ड टेक्स यू टुवर्ड्स द नेम ऑफ अल्लाह काफ से अल्लाह का नाम है काफी Sufficient, independent, और नून से है नूर नून से है नूर तो ना यू you नो know, अगर ये दोनों को काफी और नूर अल्लाह का नूर काफी है हर चीज की खिलकत के लिए द एनर्जी ऑफ योर लॉर्ड वाहवाती अर्ज उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है काफी है वो अपने आप में काफी है और उसने अपने नूर के जरिए हर चीज को हर चीज को खिलकत दे दी सो एक्चुअली अंडरस्टैंड के एक तो अल्लाह के इसम से हमें मिलता है कुन और जो दूसरा मिलता है वो मुकत्ता आत से मिलता है मुकत्ता आत से सूर्य मरियम है और सूर्य कलम है अब देखिए सूर्य मरियम जो है इसके जो मुकदात हैं मौला अली कहते हैं जब बीबी जैनब ने उनसे सवाल किया वॉट डॉट डू द मुकदात ऑफ सूर्य मरियम मीन सो ही हैज आंसर डेट दे मीन द इंसिडेंट ऑफ करबला काफ से हलाकत काफ से कर काफ से करबला हे से हलाकत ये से यजीद एन से अतश हुसैन और स्वाद से सबरे हुसैन तो नेचुरली वो वो करबला का इवेंट आपसे आपको डिस्क्राइब करता है और जो नून है इट इज द कॉन्सेंट्रेशन इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉलेज नून कहते हैं इंक पॉट को इट इज ड्रॉन ऑल्सो लाइक एन इंक पॉट सो इट इज दंटेंट इट इज द कंटेंट टोटल ऑफ़ नॉलेज सो इफ यू टेक करबला वॉट इज कन इफ यू टेक द इंसिडेंट ऑफ करबला इट इज सफिशियंट फॉर यू टू गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ इट कंप्लीट द कुरान कुरान की तफसीर को करबला मुकम्मल कर देता है वो पूरा कुरान में जितनी आयतें आई हैं अगर उन आयतों को आपको यू वॉन्ट टू सी दर्सोनिफिकेशन ऑफ वर्सेस अगर आपको देखनी है तो करबला में आपको पूरी पर्सोनिफिकेशन पूरी 6236 हजार दो सौ छत्तीस आयतों की मिल जाएगी सो दैट्स वॉट इट इज नॉट द इंसिडेंट ऑफ कैट है दुनिया में जो ये कुंड है तो ये कब हुआ मैंने कहा ना जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा तो कहते हैं कि जब जनाब सैयदा को यहूदियों ने बुलाया था अपने घर में इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा रईस था यहूदी और वो चाहता था कि अहलबैत वो जानता था एहलबैत किस तरह जिंदगी बसर करते हैं तो वो लाना चाहता था यहाँ पर अपनी बेटी की शादी में रसूल खुदा की बेटी को कि आके देखो हमारी शान और शौकत क्या है और उसके बाद में जब जनाबे सैयदा ने दुआ की कि परवरदिगार तू ही इज्जत का बचाने वाला है मैं तेरी कनीज खास हूं और तेरे रसूल की बेटी हूं उस दिन उनका रिप्रेजेंटेशन क्या था शी फीमेल ऑफ इस्लाम अमंग हम हमें से भी कितने लोग ऐसे हैं जो गैर मजहब की लोगों की शादी में जाते हैं तो क्या हम अपने तरीके अपने तरीके के साथ जाते हैं या उनके तरीकों को अपनाकर वहां जाते हैं डेट इज वॉट इज द यूनिकनेस ऑफ जनाब सैदा के वो हजारों थी और ये एक लेकिन रंग किस पे किसका चढ़ा किसने किसको इन्फ्लुएंस किया वो रही थी बहुत ज्यादा पैसे वाले थे और जब जनाब सैयदा के लिए जन्नत से जैसे ही उनकी दुआ खत्म हुई बल्कि जो मुजजा हम पढ़ते हैं उसमें लिखा जा, जाता है कि अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि जन्नत से लिबास आ गए जनाब सैयदा के लिए और जन्नत जन्नत से इतरात आ गए यानी द परफ्यूम्स और जब उन्होंने वो ले 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 ले, जेबे तन किए वो लिबास को और वो वो इत्र लगाया तो नेचुरली वो लिबास कैसे होते हैं आपको पता है जन्नत के लिबास का डिस्क्रिप्शन अगर जनाब सैयदा ने ही एक जगह कहा किया है तो कहते हैं वो इतने नफीस होंगे इतने नफीस होंगे कि यू नो इंसान जब उन्हें जेब तन करेगा तो उसे लगेगा ही नहीं उसका वजन महसूस नहीं होगा और यहाँ तक कि वो लिबास पे लिबास लिबास पे लिबास लिबास पे लिबास ग्रेट इन पैराडाइज

ये लिबास का जो एक तार होगा एक तार में इतनी रोशनी होगी जितनी ये सूरज में नहीं है पूरे सूरज में नहीं है सो यू कैन इमेजिन वॉट लिबासे जन्नत होंगे तो वो जो वहां पे रहते हैं सिर्फ वही लिबास पहन सकते हैं वो हम अगर चाहें कि हम वो लिबास पहने तो हम वो लिबास नहीं पहन सकते हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू कैन नॉट टेक दो इल इफेक्ट ऑन यू सो द यहाँ पे तो इल इफेक्ट की बात नहीं है मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और वही हुआ जब जनाब सैदा घर में दाखिल हुई यहूदी के और वहां वहा गई जहाँ पे औरतें बैठी हुई थी तो वो खुशबू की ताब नहीं ला सकी वो जो खुशबू उन्होंने जन्नत की लगाई थी और वो जो उन्होंने लिबास जन्नत पहना था वो उसके नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो सारी के सारी बेहोश हो गई वो सारी के सारी बेहोश हो गई तो देखिए कुछ से उन्होंने लिबास मंगाया और उसके बाद में जब सा, सारी औरतों को होश आया और दुल्हन को होश नहीं आया तो जनाबे सैयदा ने परवरदिगार से दुआ की और कहा कि ये लोग यही कहेंगे लेकिन परवरदिगार भी कुछ दिखाना चाहता था उनको कि जिनको तो जिनका रुतबा तुम घटाना चाहते हो जिनको रुतबा हमने दिया है तुम उससे कुछ ले नहीं सकते तुमको वो अता ही करेंगे और जनाबे सैयदा कहते हैं यहाँ दुआ खत्म नहीं हुई थी और वो दुल्हन उठ बैठी और उन्होंने इतनी सारी औरतें उस दिन इतनी सारी औरतें उस दिन ईमान ले आई जनाब सैदा के इस मुजिजे को कुन के को देखकर सो दिस कुन के इंसान कहता है और फौरन हो जाता है और फिर वो दिन जो था ना वो लिबास जो ईद जो का दिन था और उन्होंने कहा था कि बच्चों ने कहा था कि सब बच्चों के पास लिबास है हमारे पास लिबास नहीं है ईद के तो जनाब सैदा ने कहा था अभी जन्नत से तुम्हारे लिबास आएंगे और जन्नत से लिबास आ गए उन्होंने तन भी किए और आपको पता है कि जन्नत से कौन लाया था लिबास रिजवान रिजवान किससे है रजा से है दैट इज़ नॉट एनी मटीरियल इट इज एन एटमोस्फियर इट इज एन ऑरा जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कोई मल कोई मलक नहीं है कोई फरिश्ता नहीं है यहाँ का एटमोस्फियर ये दुनिया के एटमोस्फियर का नाम है जिंदगी यहाँ पे लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और जीते हैं वहां के एटमोसफियर का नाम है रिजवान अल्लाह की रजा पाते हैं और जो कुछ चाहते हैं वो उन्हें अता होती है तो रजा जो जन्नत में है वही रजिया है और उनके दर पे जो रजा आती है जन्नत से वो उन्हीं की रजा है क्योंकि उन्होंने चाहा मेरे बच्चों के लिए लिबास आए तो क्योंकि वो जन्नत के रहने वाले थे हसनैन कहते हैं ना अल हसन वल हुसैन सैयदे शबाबे अहले जन्ना तो नेचुरली वो जन्नत के लोग हैं उनके लिए जन्नत से लिबास भी आ सकता है और वो लिबास पहन भी सकते हैं लेकिन हमारे लिए नहीं आ सकता अब देखिए मैंने आपको तीन बस तमाम किया मैंने मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि तीन चीजें जो कुरान में बयान हुई हैं कुन के मुजिजे के साथ एक ईसा की विलादत दूसरे ज़मीन और आसमान की खिलकत और तीसरे जिंदगी और मौत और ये तीनों चीजें आपको जनाब सैदा में ही मिलेंगी अगर फातुर वाल अर्द अल्लाह का नाम है के पैदा करने वाला आसमानों का और जमीन का तो फातिमा उस नाम से अल, अल्लाह ने जनाब सैदा का नाम फातिमा रखा है और अगर आप बात करते हैं खिलकत की जनाब ईसा की तो उनकी माँ बतूल और उजरा है प्योर no? वर्जिन और वही जनाब सैदा उनसे बढ़कर है बुतूल और उजरा इसलिए हम मौलाली को कहते हैं ज़ौजे बुतुल उजरा ही इज द पेयर ऑफ द बुतुल एंड उजरा नोबडी कैन बी हर पेयर तो अगर कहते हैं ईसा का मौजजा बहुत बड़ा है कुरान उसका जिक्र करता है मरियम का मर्तबा बहुत बड़ा है तो हुसैन का मर्तबा ईसा से बढ़कर है और जनाब सैयदआ का मर्तबा बीबी मरियम के मर्तबे से बढ़कर है और तीसरी बात जो आती है तीसरी बात क्या ज़मीन जा, जा, और आसमान की खिलकत और जिंदगी और मौत ज़िंदगी और मौत। तो आपने देखा ये जो ये ये जो जिंदगी और मौत यहां मुर्दे को मुर्दा दुल्हन को जिसने जिंदा किया वो कौन से जिंदा किया तो जनाब सैदा ये तीनों चीजें कुन के लिए है मौला कहते हैं कि कुन का काफ और नून के बीच का सीक्रेट मैं हूं।, मैं हूं और जनाब सैदा जो है जनाब सैदा के वो हैं जो मोजात वो रखते हैं वो मोजात ये भी रखती हैं और बस हम इसी कुन से दुआ करते हैं जब हम दुआ करते हैं किसके लिए वो दुआ करते हैं द मोस्ट अवेटेड वन

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أمر الراحمين